हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमारा झारखंड जीके का कंटिन्यू सीरीज़ आ रहा है जेएसएससी सीजीएल के लिए। अभी झारखंड में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, लेकिन ये स्पेशल वीडियो झारखंड सीजीएल के लिए हैं। झारखंड सीजीएल में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरे सारे वीडियो से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा, और ये झारखंड सीजीएल के लिए स्पेशल वीडियो है। स्पेशल वीडियो सिर्फ झारखंड सीजीएल के लिए है। फ्रेंड्स, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। आप इसको कंटिन्यू देखिए और हर एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको और भी कुछ बताना चाहती हूँ। स्टैटिक जीके के मेरे सीरीज़ आ रहे हैं। स्टैटिक जीके में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आपको रेगुलर बेसिस पर बता रही हूँ। फ्रेंड्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको देखकर आप लोग पढ़िएगा, उसको देखकर आप लोग टॉपिक को कवर कीजिएगा कि स्टैटिक जीके में क्या चलना, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये सारे सीरीज़ जैसे सीजीएल के लिए आ गए हैं मेरे, और ये सब कंटिन्यू सीरीज़ आ रहे हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम स्तर पर करता है वह क्या कहलाता है? तो पढ़ा दीवान कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये सब जो क्वेश्चन है ज़्यादा घुमाकर एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं ज़्यादा घुमा फिराकर इसको नहीं बताऊंगी। एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको सीधा सीधी बता रही हूँ कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम स्तर पर कार्य करता है वह क्या कहलाता है? तो पढ़ा दीवान कहलाता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो पढ़ा दीवान करता है। चलिए एक बार इसको हम लोग और अच्छे से देखेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करने वाला वह पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में से कार्य कौन करता है? तो पढ़ा दीवान करता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? तो पाहन करता है। जैसे जैसे पंडित लोग में जैसे होता है, जैसे आम जैसे कि हिंदू घर में हो गया, या फिर मैं यहाँ जातिवाद नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी जात पर बात नहीं बता रही हूँ, बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जैसे हिंदू धर्म में पंडित लोग आकर पूजा कराते हैं, वैसे ही पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का जो निपटारा होता है या संपादन होता है वो पाहन के द्वारा, इसमें भी पाहन पंडित को हम लोग बोल सकते हैं कि पाहन पंडित की तरह कार्य करता है। जैसे हिंदू धर्म में हो गया कि पंडित लोग आकर कोई भी धार्मिक कार्यों का संपादन करते हैं, वैसे ही पढ़ा पंचायत में भी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन पाहन के द्वारा किया जाता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो पहनई भूमि कहा जाता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो पहनई भूमि कहा जाता है। मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो भूहर के नाम से जाना जाता था। मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो भूहर के नाम से जाना जाता था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का शासन व्यवस्था संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो उरांव जनजाति से है। इस क्वेश्चन को और अच्छे से हम लोग जानेंगे कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, जो पढ़ा पंचायत का शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो उरांव जनजाति से है। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महतो कहा जाता है। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महतो कहा जाता है। उरांव जनजाति महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? तो मांझी कहलाता है। उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? तो मांझी कहलाता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में दो या अधिक गाँवों के बीच के विवादों का समाधान कौन करता है? तो पढ़ा करता है। फ्रेंड्स, आपको एक बात और बताना चाहूँगी, आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत सारे मेरे टेलीग्राम पर है। फ्रेंड्स, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप लोग प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 7 to 10th JPSC के प्रीलिम्स के पेपर हैं, फिर मेंस के पेपर हैं, मतलब सारे ही
मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेरे टेलीग्राम पर हैं, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं दे दी हूँ, आप लोग ज्वाइन करके आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट PDF रिसीव कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।